कारगिल विजय दिवस जिला अधिकारी चमोली और भूतपूर्व सैनिकों ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, जिला अधिकारी चमोली और भूतपूर्व सैनिकों ने चमोली मुख्यालय जिला पंचायत सभागार कोपेश्वर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे कि विगत दिनों के वहाँ आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे भी नारी को सम्मान दिया जाता है, सम्मान किया जाता है और सरकार से मेरी यही आशा है कि आगे भी ऐसे इसी तरह भी नारी को सम्मानित करें और अन्यथा जैसे उनके बच्चे हैं वो भी बच्चों को देख रेख करने की और हर समय जैसे भी हो सके हमें आशा रहती है कि हमारे साथ जो है ये लोग मदद करेंगे और सरकार से मेरे एक इरादे से हमारे बच्चे की आगे भी आज 26 जुलाई को हमारे जो कारगिल के अमर शहीद हैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की गई और क्योंकि कोरोना के दृष्टिगत बहुत ही कम लोगों के प्रेजेंस में और बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को श्रद्धांजलि यहाँ पे कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ और जो सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उत्तराखंड की धरती ने इस धरती का जो ऋण चुकाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, उत्तराखंड के लोगों ने जो है काफ़ी शहादतें दी हैं। इस युद्ध में हमारे देश ने जो है 527 सैनिकों को खोया है जिसमें उत्तराखंड के 75 शहीद हुए हैं और मेरे जनपद चमोली के 11 सैनिक शहीद हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस युद्ध में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। कारगिल के तुरतुक सेक्टर में जो 0.5220 हाइट थी वो मेरे द्वारा कैप्चर की गई है। इस युद्ध में हमने दो अफसर, मेरी बटालियन 9 महल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, दो अफसर और 6 जवानों को खोया है। खुशी की बात अब ये है कि जो मेरे 11 शहीद सैनिक मेरे जनपद के हुए हैं उनके परिवारों को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का आमंत्रण किया गया है, जिनको नौकरी चाहिए थी उनको नौकरी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट हमारी एकमात्र गवर्नमेंट है देश में जिन्होंने कारगिल शहीद पेंशन अलग से जारी की है। कारगिल शहीद की विधवा को 7,500 रुपये पर मंथ पेंशन दिया जा रहा है, अगर शहीद के माता पिता हैं तो 5,000 रुपये उनको भी पेंशन दिया जा रहा है। कुछ शहीदों का मेरे पास में, शहीद के परिवारों का मेरे पास में रिक्वेस्ट आया था कि उनके नाम से जो है गांव और सड़कों का नामकरण किया जाए, उसमें से एक केस रह गया है असेड सिमली का, शहीद महेश सती का, उसका केस हमने जो है शिक्षा विभाग कौड़ी को भेज दिया गया है, शीघ्र ही उसके नाम से जो है प्राइमरी स्कूल असेड सिमली का कर दिया जाएगा। और मैं आखिर में जो है अपने शब्दों को विराम देते हुए शहीदों को प्रणाम करता हूँ, उनके सैक्रिफाइस को, उनके बलिदान को सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।